हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B27 फोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने फोन के सेटिंग के अंदर से कोई भी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को लगाते हो एंड आप लोग को वही पुराना खिस्सा पीटा एनिमेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ न्यू एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप लोग अपने फोन में यूज करते हो। तो यहां पर आप लोग को कैसे यूज करना है एंड कैसे अप्लाई करना है न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड आप लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हो, मैंने अपने फोन में लगा रखा है यहां पर वॉलपेपर के साथ फिंगरप्रिंट एनिमेशन को। तो मैंने यहां पर लॉक किया फोन को एंड फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आप लोग को फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा एंड जैसे मैंने यहां पर अपने फोन में दिखाया आप लोग को फिंगरप्रिंट एनिमेशन, उसी तरीके का अगर आप लोग अपने फोन में वीवो के B27 फोन में यूज करना चाहते हो अप्लाई करके, तो फाइनली वीडियो को एंड तक देख सकते हो। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को समझ में आने वाला है एंड पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोग अपने फोन में यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, आप लोग को न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगाने के बारे में बताऊंगा एंड अगर आप लोग अपने फोन के सेटिंग के अंदर आते हो तो यहां पर सेटिंग मिल जाता है आपके फोन का एंड उसके बाद आप लोग आते हो यहां पर जो कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट के अंदर अगर आप लोग आते हो तो यहां पर आप लोग को फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहां पर मिलते हैं और फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप लोग को ज्यादा कुछ बेटर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर वही पुराना घिसा पिटा एनिमेशन मिलता है, लेकिन मैंने आप लोग को जो एनिमेशन दिखाया उस एनिमेशन को आप लोग अपने फोन में एनेबल करके यूज कर सकते हो एंड कैसे करना है मैं आप लोग को चल के बताता हूं। तो यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं एक बार फिर से एनिमेशन कैसा है और देखने में कैसा लगता है। तो यहां पर मैंने फोन को लॉक कर लिया और लॉक करते ही हम यहां पर अनलॉक करते तो यहां पर जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप लोग को दिख रहा है कुछ इस प्रकार का आ रहा है। अब यहां पर मैंने फोन को अनलॉक भी करके आपको दिखाता हूं, तो यहां पर देख सकते हो मैंने फोन को यहां पर अनलॉक करता हूं तो यहां पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो है हमारा अनलॉक भी कर देता फोन को एंड जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन मैंने आप लोग को लगाकर दिखाया इसी एनिमेशन को आप लोग अपने फोन में अप्लाई करके यूज कर सकते हो और इससे भी बेटर बेटर एनिमेशन बताने वाला हूं। तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहां पर चलते हैं, आप लोग को चल के बता देते हैं इसे कैसे आप लोग को अपने फोन में यूज करना है। तो यहां पर आप लोग को आ जाना है और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके का एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाएगा, इसे आपको डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा। कैसे आप लोग को कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको अप्लाई करने के बारे में बताता हूं। तो यहां पर आप लोग को आ जाना है और इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, ऐड आ जाता है। जब मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ऐड आ चुका है। तो हम करते हैं ऐड को स्किप, यहां पर जो कि फ्री एप्लीकेशन है तो ऐड आएगा ही, कोई भी फ्री एप्लीकेशन अगर आप लोग यूज करते हो तो उसमें ऐड आएगा ही, तो स्किप कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहां पर इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस प्रकार का ढेर सारे एनिमेशन मिल जाता है। जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन इसके अंदर आप लोग को ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अगर आप लोग एनिमेशन के अंदर क्लिक करते हो तो यहां पर आप लोग एनिमेशन देख सकते हो। मैंने इस वाले एनिमेशन को अप्लाई किया है, ये वाला एनिमेशन मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूं, देख सकते हो ये वाला एनिमेशन देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैंने इस वाले एनिमेशन को अपने फोन में अप्लाई किया था। अदरवाइज दोस्तों, यहां से अगर आप लोग कोई भी एनिमेशन को यूज करना चाहते हो तो यहां से आप लोग यूज कर सकते हो, ढेर सारे एनिमेशन इसके अंदर मिलते हैं। तो फाइनली आप लोग को चल के बताता हूं पहले ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, फिर आपको बताऊंगा एनिमेशन कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, प्ले स्टोर के अंदर आप लोग को आ जाना है और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करके लिखोगे फिंगरप्रिंट लाइव एनिमेशन तो यहां पर आप लोग को इस तरीके का एनिमेशन एप्लीकेशन आ जाएगा, इसे आप लोग को ओपन करके एंड डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया था, अब मैं इसे अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड पर लगा देता हूं। मैंने इसे डाउनलोड पर लगा देता हूं यहां से और ये हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है। मैंने जैसे इसे अनइंस्टॉल किया तो यहां पर हमारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन हट चुके हैं। अब दोस्तों, यहां पर मेरे फोन में ये डाउनलोड हो रहा, आप लोग देख सकते हो। तो रेटिंग की बात करता हूं एप्लीकेशन की, तो यहां पर डाउनलोडिंग है 1 मिलियन एंड उसके बाद एप्लीकेशन की रेटिंग है 3+ बेटर यहां पर वर्किंग है। मैं खुद यूज करता हूं और भी लोग यूज करते हैं जो कि 1 मिलियन तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड है। तो फाइनली इसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपका एप्लीकेशन ओपन होते ही गेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। पहले यहां पर आपके पास एक ऐड आएगा, पहले यहां पर आपको गेस्ट स्टार्ट पर जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास एक ऐड आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहां पर देख सकते हो ऐड आ चुका है। तो यहां पर ऐड को आपको स्किप कर लेना है, यहां से आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं स्किप करके आपको दिखाता हूं, जो कि स्किप करते हैं एंड दोबारा से स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर मैं स्किप करके आपको दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों, यहां पर लोडिंग लेने के बाद इस तरीके के इंटरफेस अलाउ पे क्लिक करना है एंड यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ जाता है।
अब दोस्तों इनमें से कोई भी फिंगरप्रिंट अगर आप लोग को बेटर लगता है अपने फोन में यूज करना चाहते हो तो आप लोग यहीं से भी यूज कर सकते हो। यहां पर जैसे कि ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, अब मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो मैंने इससे यूज करना चाहता हूं। तो जैसे कि ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके एंड ये टाइमिंग आपको क्या करना है कि आपको 79 पे रख लेना है एंड साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सेव कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। या तो आप लोग इस वॉलपेपर का बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, अपना फोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को इस वॉलपेपर का बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहां से आप लोग कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। जैसे कि मैं यहां से आप लोगों को लेकर दिखा देता हूं, तो जैसे कि ये चंद्रयान वाला मैंने बैकग्राउंड को लिया था। अब यहां पर मैंने क्लिक करके सेव कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेकंड आएगा। यहां पर सेकंड खत्म होते ही आपके पास जो कि सेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर मैं सेट नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों सेट नाउ पे हम क्लिक करते हैं एंड हमारे पास एक ऐड आ जाएगा, तो ऐड को आपको स्किप करना पड़ेगा, कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, फिर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर मैं ऐड को स्किप करता हूं यहां से, और दोबारा से भी ऐड को स्किप कर लेना है, यहां पर आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम करते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमारे पास ओके का ऑप्शन आएगा एंड अलाउ पे क्लिक करके यहां पर आपको सेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई पे क्लिक करोगे जैसे, उसके बाद आपको सेट तो लॉक स्क्रीन एंड इस पे क्लिक करके इसे सेट कर लेना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने सेट कर लिया, होम स्क्रीन पर आ जाता हूं, तो यहां पर देख सकते हो इस तरीके का सेव हो चुका है। अब मैं फोन को लॉक करता हूं और लॉक करके आपको दिखा देता हूं, तो यहां पर फिंगरप्रिंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब अपने फोन को आप लॉक करोगे, तो यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे मैंने लॉक किया और इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ जाता है, तो देख सकते हो। अब दोस्तों मैंने इसे अनलॉक कर दिया फेस लॉक से, जैसे मैं यहां पर लॉक करता हूं तो आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने लॉक किया और फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ चुका है। तो यहां पर आप लोग को फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगाने के लिए इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग इसमें से जो मैं फिंगरप्रिंट आप लोग को दिखाया था उसे लगाना चाहते हो तो यहां पर प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद ओपन करना है एंड यहां से आपको बैक कर लेना है। अब यहां से आपको बैक करके आ जाना है, इसके अंदर फिर से ऐड आएगा जो कि फ्री ऐप है, तो ज्यादा ऐप पे ऐड आता है तो ऐड को आपको स्किप कर लेना है। पहले ऐड नहीं आता था लेकिन अब क्या होगा कि इसमें ऐड आना स्टार्ट कर दिया है, तो स्किप करने के बाद आपको यहां पर मैं स्किप करके दिखा दिया, यहां पर मैंने स्किप कर लिया। अब यहां से आपको बैग होने के बाद आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, एनिमेशन पे क्लिक करके आना है और यहां पर आपको एनिमेशन इसके अंदर मिल जाते हैं ढेर सारे, तो एनिमेशन को आपको यहां से लगाना है जो मैंने अपने फोन में अप्लाई किया था। और आपको चल के दिखा देता हूं कौन सा एनिमेशन है, जो कि ये वाला एनिमेशन है। इस वाले एनिमेशन को अगर आप लोग लगाना चाहोगे, इसके अंदर आप लोग को वही वॉलपेपर चाहिए तो आप लोग वही वॉलपेपर लगा सकते हो, जो कि मैं यहां पर आपको लगाकर दिखा देता हूं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और यहां पर आ जाते हैं, इस तरीके का वॉलपेपर है, इसके अंदर ढेर सारे वॉलपेपर है, कोई सा भी वॉलपेपर आप लोग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लगा सकते हो। मैंने यहां पर कुछ वॉलपेपर को लगाकर दिखा देता हूं, तो मैंने यहां पर क्लिक किया एंड डाउनलोड हो जाएगा। यहां पर आपको सेट नाउ पे सिर्फ क्लिक कर देना, एक बार आप लोग उस कर लेते हो तो आपको फिर सिर्फ सेव नाउ सेव कंटिन्यू पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है, दोबारा आपको कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सेकंड चलेगा, सेकंड चलते ही आपको यहां पर सेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहां पर सेट नाउ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा हमारा सेट हो जाएगा। तो सेट नाउ पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को स्किप कर लेना है। अब दोस्तों ऐड को स्किप करने के बाद हमारा सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐड को स्किप करते हैं एंड दोबारा से स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है, तो हम स्किप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें मिल जाता है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके ये सक्सेसफुल आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन करोगे अपने फोन को लॉक, तो यहां पर आपको इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाएगा, देख सकते हो। तो इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको मिल जाएगा अपने फोन पर, आप लोग लगा सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन को एंड वीवो के B27 फोन में। तो फाइनली मैंने आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बता दिया कैसे आप लोग न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन को अप्लाई करके यूज कर सकते हो वीवो के B27 फोन में, एंड मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। तो वीडियो को अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।